स्वागत है आप सबका नए वीडियो में, नए दिन में। मैं हूं फिलहाल काशी मूव के अपने होटल में, 1000 रुपल्स होटल में। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैं कैसे रिग्रेट कर रहा था कि कितना क्यों 1000 रुपल दे रहा हूं, कहां जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन फाइनली जब मैं ऐसे होटल में आया, जो कि होटल नहीं है, इनका ये घर है और उनके उन्होंने ये पूरा घर को वुड से बनाया, ये देखिए लकड़ी से। मैं आपको ये घर का टूर देना चाह रहा हूँ, स्पेशली इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि मैं आपको ओनर से मिला सकूँ और ये घर का टूर बना सकूँ। अब जिस तरह से उन्होंने मुझे कल का बेड दिया था, मैंने वैसा ही छोड़ दिया है। उनका सारे ब्लैंकेट्स को परोस करके, मतलब मोड़ करके वैसे ही रख दिया है। चलिए मैं आपको घर का टूर देता हूँ। वैसे यहाँ पे कल रात को जब मैं आया था तो मुझे लग रहा था यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बट नहीं, ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ ही लोग हैं यहाँ पे, जो कि मेरे लिए अच्छा हुआ। और उन्होंने मेरे को यही बताया कि ये जो बेड था बेटा, दोनों बेड तुम्हारे लिए ही था, खाली था, यहाँ पे और कोई आता नहीं। एक सोफ़ा सेट, बाय द वे रात में इस चीज़ को देख करके मेरा बड़ा डर लग रहा था, ये हैंग कर रहा था और धीरे धीरे हिल रहा था, मेरे को ना कॉन्जरिंग टाइप का कुछ सीन लग रहा था ऐसा। चलिए वो तो रात गई बात गई, इस लाइट को मैं रात भर बंद नहीं किया इसके चक्कर में। चलिए दिखाता हूँ यहाँ का वॉशरूम, किचन, और कितनी अच्छी है ये, मतलब अच्छी इन द सेंस जिस तरह से उन्होंने मेरे को ट्रीट किया। आपको मालूम चलेगा रशिया का कल्चर के बारे में, किस तरह से, मैं आपको बताऊंगा आखिर किस तरह से ट्रीट किया। आपने लास्ट वीडियो में एंड में देखा होगा कि मैं चिकन खा रहा था, चिकन और चावल खा रहा था, वो इनकी बदौलत, वरना ये भी नहीं मिला होता मेरे को। मैं तो मैक्रोनी और पता नहीं क्या क्या लेकर के आया था। पहले दिखाते हैं इनका बाथरूम। यहाँ लाइट नहीं है, ओके, यहाँ लाइट नहीं है, एक मिनट, लाइट है। ये रहा इनका बाथरूम, ज़बरदस्त वॉशरूम इनका। और ये सब मुझे मिल रहा है सिर्फ 1000 रुपल्स में। ये है हमारी ओनर, ओके, वो बुला रही है मुझे, आओ बेटा, ओके। हमारी ओनर को मिलना है, आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी ओनर। क्या बोल रहे थे भगवान जाने, कहीं बुला रही, चलिए। वाओ, ये कहाँ देखा था यार मैंने तो। ओके, ये देखिए इनका घर, नाइस। अच्छा, ये है इनका टॉयलेट, बोल रही टॉयलेट, ये इनका टॉयलेट है अंदर से। भाई एक अंदर में इतना बड़ा बेसिन है, हाँ ये दैट्स, हाँ। इनके पास ना दो घोड़े भी हैं, वो बताने की, देखो यहाँ से घोड़े भी दिखा दो उनको, दिख रहा है वहाँ पे दो घोड़े। और ये इनका स्टड फार्म है जहाँ पे घोड़े रखते हैं, इन्हीं का है पूरा, ये पूरा एरिया इन्हीं का है इनका। एक्चुअली रशिया में जो लोग यहाँ पे होते हैं ना, उनका ये रहता है एक्चुअली, मुझे अभिषेक भैया ने बताया था, ये पैसे फुल कमाते हैं, उसके बाद जब उनका एज हो जाता है 40-45, तो ये जा करके ना कहीं कंट्री साइड में घर लेकर के वहीं रहते हैं। तो इन्होंने जाके इन कंट्री साइड घर को एक होटल में बदल दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। रूम बंद करते हैं। सही लगा इनका सर्विस मुझे बहुत अच्छा, इसलिए लगा क्योंकि मैं, देखिए उनको बताया कि मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन चिकन खाता हूँ, वो टाइप का वेजिटेरियन। तो क्या मुझे यहाँ कुछ कैफ़े है क्या? हाँ, ये एक और बेडरूम। मेरे लिए तो ये ड्रीम होटल था, क्योंकि 1000 रुपये में इतना कुछ मिलना बहुत मुश्किल बात है, कहीं नहीं मिलेगा इतना वुडन हाउस, इतना अच्छा, सर्विस इनका जो था, इनका कल्चर इन्होंने मुझे बताया, बोला नहीं वो मैं समझ गया। तो मैं इनको पूछा कि देखिए मैं वेजिटेरियन हूँ, क्या मुझे आपके घर में कुछ खाना मिल सकता है या फिर कुछ आगे कुछ कैफ़े है जहाँ से मैं खरीद के लाऊँ? तो उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी, तुम यहाँ पर भूखे नहीं सोओगे। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली राइस और चिकन बनाया सिर्फ मेरे लिए। हाँ, चलिए एक और चीज़ दिखा रही है कुछ, वो ओके, ये एक और बेडरूम है इनका, यहाँ पे लाइटिंग अच्छा है, ये एक और बेडरूम है इनका। हाय रे गुड्डा, ये रखना ज़रूरी था आए, मैं तो इस बेडरूम में सोऊंगा भी नहीं कभी गलती से। और हर रूम में ना टेम्परेचर कंट्रोलर है,
मैंने कल टेम्परेचर को 30 डिग्री कर दिया था, 26-27 डिग्री था मेरा, उसमें हालत ख़राब हो रहा था, रात में सो नहीं पाया। और वैसे भी आज मैं सुबह उठा हूँ 5 बजे, कहाँ से ही नींद आएगा, लाइट ऑन है, मेरे को नींद आता नहीं है। चलिए इनको किचन दिखाते हैं फाइनली। ये है इनका प्यारा सा किचन, इन्होंने मेरे लिए खाना ऑलरेडी बना के रखा है, वहाँ पे है खाना, वो मैं खाऊंगा और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। बाय द वे, घर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये है काशी मूव में, आउटस्कर्ट्स में है ये। बाय द वे, आपको आना पड़ेगा 4 से 5 किलोमीटर बस में आना पड़ेगा, बस नंबर 3 और 5 यहाँ आती है, 25 रुपये लेती है यहाँ की बस। और इनका नीचे मैं दिखाना चाहता हूँ, चलिए नीचे डाउन। ये हम लोग बाय द वे फर्स्ट फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर में क्या मैं दिखाता हूँ, डर जाओगे। बाय द वे ग्राउंड फ्लोर में क्या है ये देखोगे तो डर जाओगे। कुछ दिख रहा है? यस, ये है इनका ग्राउंड फ्लोर, पूरा लकड़ी का है घर, पूरा लकड़ी का बना के रखा है इन्होंने। अच्छा लगा मुझे यहां पे आकर के, क्योंकि मैं कल जब आया ना, मेरे को तो पहले होटल मिल नहीं रहा था, ये वाला घर मिल नहीं रहा था। दिखाता हूँ क्यों नहीं मिल रहा था। आहा, ठंडी है यार। ये है घर का आउटसाइड वाला पार्ट, मैं वहाँ पहले वहाँ पीछे गया, वहाँ पे नॉक मारा, फिर यहाँ पे भी नॉक मारने की कोशिश किया मैं, लेकिन बिना नॉक के ही इन्होंने खोल दिया और बोला कि ऐसे दरवाजे से ऐसे लटक रहे थे ऐसे। ओह माय गॉड, होटल होटल मैंने पूछा, बोला हाँ होटल है, आओ बेटा। ओके, तुम यहाँ कब से थी? म्याऊ। इनके घर में ना 2 बिल्ली तो परमानेंट रहती है, और ये तीसरी बिल्ली भी आएगी, खाना खाएगी और जाएगी। कल देखा था मैंने 3 बिल्ली को, होपफुली ये जो इनका डिटोर मैंने दिखाया, घर का जो दिखाया आपको, पसंद आया घर होम टूर। और वो बताया मैंने उनको, चिकन खिलाया और चावल चिकन जो मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लैक कर रहा था मेरे बॉडी के अंदर, तो वो उन्होंने दिया। चाय पिलाया, ब्रेड खिलवाया, और कुछ था जो मैं याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ स्वीट करके था, कुछ पेस्ट्रीज करके था, वो भी खिलाया। बहुत अच्छा सर्विस था इनका, मानना पड़ेगा, मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये देखिए होटल है, होटल में कौन ये सब करता है, कोई नहीं करता। भैया घुस ना जाए, चलिए हम चलते हैं अंदर। हाँ, तो होटल में ना ये सब सर्विस कोई देता नहीं है, ये इनका घर था, इन्होंने ये समझी कि बेचारा बहुत दूर से आया है, भूखा भूखा मारा आया हुआ, और मैं कुछ मैक्रोनी लेके आया था, वो तो अभी भी सड़ चुका है। हाँ चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, होप कर रहा हूँ मैं। हम मिलेंगे अब काशी मोव को टूर एक्सप्लोर करने में।